नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। स्टील का बर्तन पानी बर्तनों कब से दे रहे हैं मैडम? ये पानी आए जब से दे रहे हैं, हम लोग पूरा बह के चले जा रहे हैं। एरिया कौन सा है आपका? ये अक्टर गार्डन की गली में परास। ठीक है, माफ निकाल के ठहरो। समय के लिए निकले थे तो ऐसी ऐसी हालत देखे घरों की, पानी भरा हुआ किसी घर में, किसी घर में मतलब चूल्हे डूब गए, बर्तन अनाज हर चीज बह चुकी थी। अच्छे से अच्छे घर में भी गए हम लोग, देखे गए, वो लोग इतने मुतासिर हुए कि यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला का ये क्या जब था। अल्लाह ताला हर मुसलमान गरीब हो या अमीर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अल्लाह को याद करें और हर हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि मैं ये लोग लेते फिर नहीं लिए नहीं लिए, ये भी एक पब्लिक में है, गरीब आवाम बदनाम है क्योंकि मुसलमान। मैं जब देखी कि इत्तेफाक से अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मुलाकात की, उनका मेडिकल कैंप चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ये इस एरिया में सफाई वगैरह करा रहे थे। सर्वे के दौरान हम ये भी नोट करें, मेन होल साफ हो रहे थे, दवाओं का छिड़काव हो रहा था, फिर भी यहाँ की आवाम जो है नाशुक्री करती कभी के किसी को पैसे मिले किसी को नहीं मिले। लेकिन हुकूमत का भी गलत अंदाज है कि पैसे देने का, जिस तरह ये लोग लॉकडाउन के दौरान जो ऑटोमेटिक बीपीएल वालों को जैसे पैसे बैंक में डायरेक्ट आ गए थे, जैसे मुतासरीन का नंबर नोट करके उनको इस तरह से पैसे भेजना था, क्योंकि बीच में जो लीडर्स दगाबाजी करें, उन लोगों को पैसे नहीं पहुंचाए, वो लोग भी इसके जिम्मेदार। ये तकरीबन लोगों को पैसे नहीं पहुंचे, लोगों को एडवाइस देना था लोग जाके। हम एक लेटर लिखे हैं केसीआर साहब को, हम तो केटीआर साहब वगैरह इन लोग की मीटिंग हुई, वो लोग बोले कि इंशाल्लाह सबको मिलेगा, वो कब मिलेगा नहीं मालूम। अभी हम रिसेंटली एमआरओ के पास भी जाने वाले हैं मामले के, क्योंकि परतनगर में भी हमको शिकायत मिली है कि उनको कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ दो तीन लोगों को मिला। कई जगह से शिकायत आ रही है, जरूरतमंद है, अभी इतने लोग यहाँ सारे ठहरे हुए, लोग ये बोल रहे थे किसी को मिले किसी को नहीं मिले, और जो मिले वो और मिल रहे तो भी जीरो अकाउंट वाले को, जो करोना आया वो जो लोगों को डर रहे थे, जिसका जीरो अकाउंट नहीं है उनको नहीं डाल रहे थे। जी हम खुद देखे अपने आप, वाकई में फर्नीचर बिस्तर हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी है।